दोस्तों पिछले वीडियो पे हमने देखा था किस तरह से हम सेम वाईफाई नेटवर्क पर रहते हुए एक दूसरे सिस्टम के साथ फाइल्स को एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन तब हम एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज में लिया था जो कि बिल्कुल फ्री है और हमें अलग से किसी भी तरह का सेटिंग्स करने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर आपने वो वीडियो को अभी तक नहीं देखा और देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करते हुए आप उस वीडियो को देख सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे उसी काम को करना और भी बेहतर ढंग से, जिससे कि हमें फाइल्स को मैनेज करना और भी आसानी हो और वो भी किसी भी तरह का थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज ना करते हुए। लेकिन इसके लिए हमें हमारे विंडोज पीसी पे कुछ सेटिंग्स करने की जरूरत पड़ेगी। घबराइए मत, मैं पूरा कोशिश करूंगा बहुत ही आसान वे में आपको समझाने की। वेल, अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप करते हुए अंत तक देखते रहिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं तपस पॉल, आप सभी को फिर एक बार बहुत स्वागत करता हूं टेक टिप्स एक्सप्रेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एंड उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। सो विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास दो सिस्टम है, एक में विंडोज 10 और दूसरे में विंडोज 8.1 इंस्टॉल की हुई है। ओके, अब मैं चाहता हूँ हमारे विंडोज पीसी पे जो ड्राइव डी है उसे शेयर करना हमारे सेकंड सिस्टम विंडोज 8.1 के साथ, ताकि हम विंडोज 8.1 पीसी पे रहते हुए विंडोज 10 पीसी में से शेयर की हुई ड्राइव पे जितने भी फाइल्स है उसे मैनेज कर सके। लाइक फाइल्स को एडिट या फिर डिलीट करना, या फिर विंडोज 8.1 पीसी में से विंडोज 10 पीसी पे कुछ फाइल्स ट्रांसफर करना, या फिर विंडोज 10 पीसी में से विंडोज 8.1 पीसी पे कुछ फाइल्स कॉपी करना एक्सेट्रा। ओके, तो चलिए आप प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें विंडोज 10 पीसी में से सेटिंग्स पैनल को ओपन कर लेना है। अब इन सभी ऑप्शन में से जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल मेरे सिस्टम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है जो कि है पब्लिक नेटवर्क। अगर यहाँ पे पब्लिक नेटवर्क शो कर रहा है देन आपको जाना है चेंज कनेक्शन प्रॉपर्टीज पे एंड यहाँ से आप प्राइवेट नेटवर्क को चूज कर लीजिए। ओके, अब बैक करते हैं तो देखिए नेटवर्क टाइप जो है अब प्राइवेट नेटवर्क हो चुके हैं। इस काम को करने के लिए हमें प्राइवेट नेटवर्क टाइप ही चाहिए। ओके, अब स्क्रॉल करते हुए नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इस पे क्लिक कर देना है और इस विंडो में से आपको जाना है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग पे। अब यहाँ पे आपको तीनों ग्रुप देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको प्राइवेट ग्रुप को एक्सपेंड कर लेना है। अब यहाँ पे आपको नेटवर्क डिस्कवरी टर्न ऑन कर लेना है, साथ ही मेक श्योर कर लेना है ये बॉक्स चेक्ड है, और उसके बाद फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग को भी टर्न ऑन कर लेना है। ओके, अब हमें ऑल नेटवर्क्स ग्रुप को भी एक्सपेंड कर लेना है। तो यहाँ से पहले आप शेयरिंग को टर्न ऑन कर दीजिए एंड एकदम अंत में पासवर्ड प्रोटेक्टेड शेयरिंग को टर्न ऑफ कर दीजिए एंड फाइनली सेव चेंजेस। अब आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हो और इसे भी। ओके, तो अब हमें फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है क्योंकि हमें ड्राइव डी को शेयर करना है। इसके लिए ड्राइव डी को सिलेक्ट करते हुए इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, देन आपको जाना है गिव एक्सेस टू में से एडवांस्ड शेयरिंग पे। अब आपको कुछ इस तरह का एक विंडो देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है एडवांस शेयरिंग ऑप्शन पे। यहाँ पे आपको मेक श्योर कर लेना है शेयर दिस फोल्डर के पास जो बॉक्स है वो चेक्ड हो। अब इस विंडो में से परमिशन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए फिलहाल फुल कंट्रोल एनेबल नहीं है, सिर्फ रीड ओनली ही अवेलेबल है, यानी कि हम दूसरे सिस्टम से इस ड्राइव को फुल्ली मैनेज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो फुल्ली मैनेज करना देन फुल कंट्रोल को अलाउ कर दीजिए। अब अप्लाई एंड देन ओके पे क्लिक कर देना है, अगेन अप्लाई एंड देन ओके, फिर इस विंडो को आप क्लोज कर सकते हो। तो इस तरह से फाइनली सेटिंग जो है वो हम विंडोज 10 पीसी पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें जाना है हमारे दूसरे सिस्टम पे जो कि मेरे केस में विंडोज 8.1, ताकि हम बाहर से विंडोज 10 पीसी का जो ड्राइव डी है उसे मैनेज कर सके। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाना है और मेक श्योर कर लेना है ये सिस्टम भी सेम वाईफाई नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, साथ ही नेटवर्क टाइप जो है वो प्राइवेट नेटवर्क है। चेक करने के बाद आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हो। ओके, अब विंडोज फाइल मैनेजर को ओपन कर लेना है। अब इस विंडो पे लेफ्ट साइड पे देखिए नेटवर्क, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो कंप्यूटर जिसको हमने अभी शेयर किया था। तो देखिए जो ड्राइव एग्जांपल के लिए हमने शेयर किया था
वो यहाँ पे शो होने लगे हैं। इसे एक्सेस करने के लिए सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक कर लेना है। अब आप इसे ओपन करते हुए बड़ी ही आसानी से इसे मैनेज कर सकते हो। अब यहाँ पे फोल्डर को शेयर करने की तरीका इससे थोड़ा अलग है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस ड्राइव पे दो फोल्डर हैं और मैं नहीं चाहता हूँ इस पूरे ड्राइव को शेयर करना, मैं चाहता हूँ सिर्फ फॉर शेयर फोल्डर को शेयर करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है। देन इसके ऊपर राइट क्लिक करते हुए आपको जाना है गिव एक्सेस टू में से स्पेसिफिक पीपल पे। फिर आपको कुछ इस तरह का एक विंडो देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस ड्रॉप डाउन मेनू पे क्लिक करते हुए एवरीवन को चूज कर लेना है, फिर ऐड। जैसे कि आप देख सकते हैं लिस्ट पे एवरीवन आ चुके हैं, लेकिन इस पे फिलहाल रीड परमिशन दी हुई है। तो फुल परमिशन देने के लिए आपको इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हुए रीड / राइट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, एंड फाइनली शेयर, फिर डन। अब आप दूसरे सिस्टम पे जाके वही सेम प्रोसेस को फॉलो करते हुए इस फोल्डर को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से हम विंडोज का इनबिल्ट फीचर को यूज में लेते हुए और सेम वाईफाई नेटवर्क पर रहते हुए फाइल्स को एक दूसरे डिवाइसेस के साथ इजीली मैनेज कर सकते हैं। अब आपको किसी भी तरह का स्टोरेज ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ेगी ये काम को करने के लिए। आई होप आपको पूरी प्रोसेस अभी तक समझ में आ गया होगा। अब भी एक बार ट्राई जरूर करें और नीचे कमेंट पे शेयर जरूर करें आपका एक्सपीरियंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सके। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट में जाकर भी बता सकते हैं। और इसी तरह हेल्पफुल वीडियोस के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।